रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन स्थित कृषि विभाग कार्यालय के सभागार में द अरावली किसान क्लब की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्लब की कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए प्रगतिशील किसान यशपाल खोला को सचिव से प्रधान नियुक्त किया गया। गांव ढाणी एरोद निवासी सुरेंद्र कुमार को सचिव बनाया गया। वहीं भूपेंद्र यादव राम निवास बैरियावास वीर सिंह मास्टर खलियावास को मार्गदर्शन कमेटी में लिया गया। उप प्रधान के लिए महेश कुमार मोहम्मदपुर व मास्टर सुरेश गिंदोकर को चुना गया। इसके अलावा पुरानी कार्यकारिणी में शामिल सभी पदाधिकारियों को अपने पदों पर नियुक्त किया गया। आज की बैठक में अहम मुद्दों पर बातचीत कर उन पर अमल करने पर विचार किया गया। बैठक में पहुंचे क्षेत्र के किसानों को वृद्ध वृक्षों की पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि विभाग की ओर से डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर मनोज वर्मा, डॉक्टर अंकित यादव व क्लब की जिला बॉडी सदस्य वेद प्रकाश शर्मा, सत्यवान धनखड़, नीरव यादव खलियावास व ब्लॉकों के अध्यक्ष छतरपाल, मणिराम बावल, उद्यमी सिंह जाटूसाना, परिसन बुधराम, मास्टर राकेश नाहड़, मुकेश कुमार, मोहित रिवाड़ी, संदीप उद्यमी, शिवाजी दहिना सहित अन्य किसान भाई भी बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित थे। नवनियुक्त प्रधान यशपाल खोना ने कहा कि बाकी नियुक्तियां भी जल्द की जाएंगी। ये जी देखो, अरावली किसान क्लब एक कृषि विभाग ने पीछे एक स्कीम चलाई थी, हर जिले में एक क्लब का गठन करना है। उसका उद्देश्य यही था कि महकमा या और भी आप जैसे माध्यम भी है, प्रिंट मीडिया भी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज रह जाती है जो घर किसान के पास नहीं पहुंच पाती। और वो कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल, अड़ोस पड़ोस किसान शायद आपकी हमारी बात सुनने के बजाय अपने पड़ोसी किसान की बात को ज्यादा महत्व देता है, या साइड में होते हुए देखता है वो नया काम कर रहा है। तो कोई भी इनोवेटिव काम करना हो, जैसे नेचुरल फार्मिंग का है या और भी जो सरकार की तरफ से किसानों के लिए स्कीम आ रही है, तो एक प्लेटफॉर्म है आगे द्वारा तैयार किया गया। अब पहले इनको बताया जाए ताकि आगे फर्दर किसानों को बता सके। क्या जी, जो बॉडी का नया गठन के पीछे एक साल पहले बनाया था, तो उसमें से कुछ क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव संस्था कह सकते हैं इसको, सहकारी समिति रजिस्टर्ड होती है और इसमें हरेक सोसाइटी अपना बनाती है, साल में दोबारा गठन करना है, दो साल में करना है या तीन साल में करना है। तो इन्होंने अपना उद्देश्य रखा था, ये हर साल हम अपनी नई गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उन्हें अपने सहमति से, अपनी आपसी सहमति से अपनी बॉडी गठन किया और आगे बॉडी एक साल के लिए कार्य करेगी। क्लब की मीटिंग का आयोजन किया गया और मुद्दे डिस्कशन हुई है, इसके दौरान काफी कुछ मुद्दों पे प्रकाश वाले का मेन मुद्दा था, इस बॉडी का पुनर्गठन करना था। तो इस दौरान भूतपूर्व प्रधान हमारे भूपेंद्र सिंह जी भाड़ावास से हैं, उन्होंने खुद अपना पद छोड़ते हुए क्लब से आह्वान किया भी नई बॉडी बनाई जाए, तो उसने सर्वसम्मति से श्री यशपाल खोला को प्रधान बनाया गया है और श्री सुरेंद्र कुमार को सचिव और श्री महेश जी को उप प्रधान बनाया गया है। एक उप प्रधान पहले थे मास्टर सुरेश जी अपने गेंदोकर से, तो और उसके अलावा मार्गदर्शन मंडल में कुछ लोग डाले गए हैं जिसमें श्री भूपेंद्र सिंह जी पूर्व प्रधान थे हमारे, श्री राम निवास जी और श्री वीर सिंह जी, ये मार्गदर्शन मंडल में लिए गए हैं। के माध्यम से सभी क्लब मेंबरों का, पदाधिकारियों का तय दिल से धन्यवाद करूंगा और सबसे ज्यादा मैं प्रधान जी का, जो इन्होंने पिछले एक साल तक हमारा मार्गदर्शन कराया और अभी भी इनको हमने मार्गदर्शन कमेटी में रखा है, ये आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जो आज मेरे को क्लब के सभी पदाधिकारियों ने जिम्मेवारी दी है क्लब के प्रधान पद की, मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और इस क्लब को हरियाणा स्टेट के अंदर अग्रणी स्थान पर ले जाने का काम करूंगा। बिल्कुल, आज गवर्नमेंट और आपका जो विभाग है इस बात से बहुत ही परेशान है कि डीएपी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस विषय में हमारे किसानों को एक चीज समझने की आवश्यकता है कि आज डीएपी और यूरिया की खेती में इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट के तौर पर गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजें लगा दी जिसमें नैनो फर्टिलाइजर एनपीके का प्रयोग कर सकते हो। उससे भी अच्छी बात हम करें तो आज की तारीख में प्राकृतिक खेती काफी फार्मर कर रहे हैं पूरे जिले में, स्टेट में, यहाँ की मैं कहूंगा कि इंडिया में भी बहुत सारे बड़े बड़े फार्मर हैं, उनके यहाँ जाके ट्रेनिंग ले और प्राकृतिक खेती को अपनाएं ताकि जो आपका जेब का खर्चा है डीएपी यूरिया के माध्यम से पड़ता है वो भी कम हो और एनवायरमेंट भी अच्छा हो और जो आप उत्पादन कर रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता के साथ खड़ा हो ताकि उसकी अच्छी वैल्यू, अच्छा जो उसका मूल्य है वो आपको मिल पाए।
हमारा महेंद्रगढ़ किसान क्लब की ओर से सुझाव आया था कि जिला रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गावा की कम से कम एक दाल की फसलों की मंडी जरूर हो, ताकि जो बीच का टाइम होता है हमारे किसानों के पास खरीफ और रवि सीजन के बीच का, उसमें हमारे यहाँ विभाग की सब्सिडी में बीज आता है मूंग का, अरहर का, वो किसान लगाते हैं, बट उनको बेचने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मंडियों में उसकी डिमांड नहीं है। तो मेरा क्लब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुरोध है विभाग को भी और जो हमारे राजनीतिक पदाधिकारी बैठे हैं बड़े लेवल पे, उनको भी, कि हमारे यहाँ पे दक्षिण हरियाणा में बीच का सेंटर रेवाड़ी पड़ता है, उसके अंदर दाड़ों की मंडी का गठन कराया जाए, ये हमारा इन सबको अनुरोध है। हमारे क्षेत्र में नियर बात करें कि खारे पानी की कुछ प्रॉब्लम है, उनको गवर्नमेंट ने पानी के नाले बनाए हैं, नहर बनाई है छोटी, उनको सुचारू कराया जाए, जो खारे पानी के किसान है उन तक पानी पहुंचे और उनकी भी फसल अच्छी हो, ताकि उनको जो कंपटीशन है वो कम करना पड़े। जो खारे पानी में क्रॉप तैयार करते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, वो पैदावार नहीं आती, तो उनके पानी की पूर्ति का कोशिश कराया जाए। आगे हम क्लब का गठन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे रेवाड़ी के किसानों की समस्याएं रहेगी उसको हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे और जो प्रशासनिक प्लेटफॉर्म है उन पर रखेंगे, और निश्चय ही हमें आशा है कि सभी विभाग, सभी राजनीतिक दल हमें सपोर्ट करते हुए उनका निवारण करेंगे। नई जो सैनी सरकार आई है, बहुमत की सरकार है, वैसे भी दक्षिण हरियाणा के लिए हम बात करें तो हमारे बाजरे की क्रॉप मुख्यतः होती है खरीफ की, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा रेट का प्रावधान रखा है और मंडियों में आज बिक भी रहा है। आगे भी हम आशा यही करेंगे कि हमारे जो ये लोकल क्रॉप्स हैं, जैसे सरसों की हमारी लैब अच्छी आती है, उस पर गवर्नमेंट यहाँ पे कोई बड़े प्रोजेक्ट देगी हमारे एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से, और वो जो प्रोजेक्ट आएंगे उसमें हमारी फसलें जाके हमारा जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको बढ़वार मिलेगी और जो हमारे किसानों की पैदावार है उसकी वैल्यू एडिशन होके अच्छे उसको मुनाफा मिलेगा, एनसीआर में वो बिकेगी। तो इसमें गवर्नमेंट, हमें पता है कि निश्चित रूप से दक्षिण हरियाणा को नजरअंदाज ना करते हुए उसका सहयोग करेगी, बड़े प्रोजेक्ट दक्षिण हरियाणा में गवर्नमेंट देगी। अभी पीछे भी हमारे जो क्लब की कमेटी है उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक लेटर सौंपा था, जिसमें पिछले 3-4 साल से हमने नक्शा भी बना के विभाग के माध्यम से उनको दिया गया है। यहाँ टेढ़ा दीपानपुर के अंदर सरकारी एग्रीकल्चर की जमीन है, उसके अंदर सरसों का एक्सीलेंस सेंटर गवर्नमेंट बना के दे, इसके लिए भी हम उनको रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, पीछे भी हमने डाली थी, आगे भी हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और जो लोकल यहाँ के मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलकर इस रिक्वेस्ट को दोबारा डालेंगे, ताकि यहाँ सरसों का एक्सीलेंस सेंटर आए। हमारे यहाँ के जितने भी 100-150-200 गाँव हैं उनकी सरसों की जो लैब है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेहतर है, तो उसको क्यों ना वैल्यू एडिशन करके हम एनसीआर में डायरेक्ट सप्लाई करें। इस विषय में हम दोबारा से उनसे मिलकर बातें करेंगे।